दोस्तों, 1970 से 80 का दशक था जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरती, ऐसी बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। उचिसा के ओना, जापान के सुनसान रास्तों पर उचिसा के ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसा के ओना उस पर कैंची से वार करके उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में देता तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतारकर उसे अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, मानो उसके चेहरे पर किसी ने पूरी तरीके से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से वह सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। उचिसा के ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता था तो फिर वह उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में देता था तो उचिसा के ओना अपने कैंची से जवाब के बदले में उसके चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे, और तो और लोग ने अपने बच्चों को स्कूल जाना तक बंद कर दिया था, और उचिसा के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने उचिसा के ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल छात्रों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ सके। लेकिन फिर भी उचिसा के ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वह ऐसा क्यों करती थी? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।